नमस्कार, न्यूज टुडे ग्रुप में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं रवि कुमार मीणा। आइए नजर डालते हैं हरियाणा के पलवल की ओर। पलवल कैंप थाना क्षेत्र में नवंबर 14 को आईटीआई के निकट एक अज्ञात युवक को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारने वाले दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से मृतक की बाइक को बरामद कर उसे अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है। दिनांक 13 तारीख को अपने आईटीआई के पीछे नजदीक रेलवे लाइन एक खाली खेत में एक डेड बॉडी मिली थी, नॉन डेड बॉडी मिली थी, जिसके 30 चक्कू लगे हुए थे, जिसको 26 तारीख उसको पोस्टमार्टम करा के 72 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रख दिया। शनाख्त न होने के बाद उसका अंतिम संस्कार करा दिया। उसके बाद 26 तारीख को उसके परिजन सदर थाने में कंप्लेंट देने आए थे, जो हमारे थाने के आगे इश्तहार लगे हुए हैं, जो उनको देख कर उन्होंने वेरीफाई किया और वो आके मेरे से मिले। उसके बाद उन्होंने पहचान की, उनसे पूछा तो उन्होंने 2-3 चिन्ह बताए। उन्होंने बताया जी ये इस हाथ पे तलवार छपी है, इस हाथ पे दिल बना हुआ है, इसमें KBKKD लिखा हुआ है। आरोपी को कैसे पकड़ा? आरोपी को कल दिनांक 3 तारीख को जो पहला आरोपी था जसविंदर कोकी, उसको पेश करके अदालत में, और हम रहराना पुल के नीचे पहुंचे थे तो मुखर खास ने सूचना दी कि आपके मुकदमा नंबर में वांछित आरोपी अपना KMP मोड़ पर रेवाड़ी जाने की फिराक में खड़ा हुआ है, यदि तुरंत मौके पर पहुंचा जाए तो आरोपी गिरफ्तार किया जा सकता है। किस तरह से की थी, क्या रणनीति थी उनकी? दिन में 13 तारीख को कोई आपस में कहा सुनी होगी थी, उसी बात पर उन्होंने इसकी हत्या कर दी। आरोपी से कल ली एक उसमें जो मृतक वीर सिंह था उसकी मोटरसाइकिल थी, वो बरामद कर लिए गांव से जोगड़ से। चाकू हाँ, इसने वार जो चाकू इसने भी वार किए थे, 8-9 बार इसने गर्दन पे वार किए थे चाकू से। वो बरामद हो गया चाकू? तो पहले बरामद किया जा चुका है। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।